हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुनीत भाटिया एकेडमी। वेल होप यू ऑल आर वेल एंड योर स्टडीज गोइंग वेल। फिर से हम उपस्थित हैं एक न्यू अनाउंसमेंट के साथ। पुनीत भाटिया एकेडमी का जो नया बैच है नेट यूजीसी एग्जाम पेपर 2 के लिए एंड DSSB सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड KV के एग्जाम के लिए 30 अक्टूबर से हम लोग अपने नए बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे बैचेस थे 10th ऑफ अक्टूबर एंड 15th ऑफ अक्टूबर से जो हमने न्यू बैचेस स्टार्ट किए थे उनके एनरोलमेंट जो है वो पूरे हो चुके हैं, बैच फुल हो चुके हैं। सो अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो 30th अक्टूबर तक के बैच को ज्वाइन कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा हमने हमेशा आपको बताया है कि हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन मोड पर होंगी एंड जिसमें हम आपके साथ डेली एवरी क्लास में हम आपके साथ एक क्विज सेक्शन रखते हैं ताकि आपको ये समझाया जा सके, आपको ये बताया जा सके कि किस तरह से MCQ क्वेश्चंस ऑनलाइन में हैंडल किए जाते हैं, टैकल किए जाते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है, क्या उनके लिए स्किल यूज करनी होती है। अगर आप नहीं जानते, If you do not know about that particular question, so odd man out का फंडा जो tricks होती है वो किस तरह से आपको जीत दिला सकती है आपके competition में, और ये सब चीजें, ये skill कोई ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में सीख जाएं, 3 दिन में सीख जाएं। ये skill development program होता है जो हम अपनी classes के साथ run करते हैं और इससे आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो रहा है और अब आप कंफर्टेबल जोन में आ चुके हो किसी भी ऑनलाइन एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको पता है कोविड से पहले ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे और उसका एक अलग फोबिया होता था, एक अलग डर होता था स्टूडेंट के अंदर। अब कोविड के बाद जब से ऑनलाइन एग्जाम्स अब शुरू हो चुके हैं, अब कई सारे कंपटीशन में ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, सो वेल अब एक अलग फोबिया है स्टूडेंट्स के मन में जो कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं है। क्योंकि जब वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो उनके हाथ नहीं चलते कीपैड पे, उनको पता नहीं होता कि स्क्रीन को कैसे ऊपर करना है, कैसे नीचे करना है और कितना टाइम एक पर्टिकुलर एग्जाम में या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक सफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए जिससे हम अपने पूरे पेपर को सॉल्व कर सके। क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर हमें पता ही नहीं लगा और हमारे 20 क्वेश्चंस हमारे छूट गए। तो ये लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है जिसकी वजह से आप अपने क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्पेशली जैसे जब हम UGC नेट एग्जाम की बात करते हैं, उस एग्जाम में अगर आप 20-25 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस अगर आप छोड़ कर आते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस कि उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये तरह से क्राइम है, यानी आपने अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया कि आपका एग्जाम नहीं निकलने जा रहा। तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना हो, कम से कम उस एग्जाम में आपको 100% ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये जो फोबिया है आपका ऑनलाइन एग्जाम देने का, आपका टाइम मैनेजमेंट जो गड़बड़ होता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, वो सभी चीजों की प्रिपरेशन हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करवाते हैं, स्टूडेंट्स को धीरे धीरे तैयार करते हैं उसके एग्जाम के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज बनाते हैं अपनी, जिस टेस्ट सीरीज में लमसम 2500 से लेकर 3000 क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग एंगल से, किस टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है एक एग्जामिनर के द्वारा, वो हम हमारी टीम उसको सोचती है और उसी तरह से हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं ताकि अगर फॉर एग्जांपल हम अकबर के मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो अकबर के मनसबदारी सिस्टम के ऊपर क्या क्या एंगल बन सकता है क्वेश्चन का नेट के एग्जाम में, DSSP के एग्जाम में, KV के एग्जाम में, स्पेशली PGT एग्जाम्स में, तो उसके ऊपर अगर 15 टाइप से एक अलग अलग एंगल से 15 प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है, तो वो 15 एंगल, वो फ्रेमिंग हम अपने टेस्ट सीरीज में करते हैं ताकि वो कैसा भी एक क्वेश्चन क्यों ना सेट करे वो आपकी रेंज में आ जाए। सो वेल स्टूडेंट, यही एक हमारा प्रयास है कि हम आपको सक्सेस दिलवाएं और उसका कारण यही है कि आपने इतना प्यार दिया जिसकी वजह से हमारी टीम को और एप्रिशिएशन मिलता है और हम कुछ और नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ हर बैच में उतरते हैं। सो वेल स्टूडेंट, आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, उनमें से अगर कोई भी तैयारी करना चाह रहा हो, प्रिपरेशन करना चाह रहा हो नेट एग्जाम की, DSSP एग्जाम की या PGT एग्जाम की, तो मोस्ट वेलकम, आप पुनीत भाटिया एकेडमी को ज्वाइन करें।
एंड नेट DSSSB हिस्ट्री एग्जाम की स्पेशल क्लासेस तो चलती ही है, जिसको मैं खुद पुनीत भाटिया इन क्लासेस को लेता हूँ। वेल, इसके अलावा जो हम सब्जेक्ट ऑफर करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, उसमें हिस्ट्री, देन पॉल साइंस, हिंदी लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स के बैचेस हम लोग 30 अक्टूबर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सो वेल स्टूडेंट, आप 30 अक्टूबर के लिए रेडी रहें, न्यू बैचेस को ज्वाइन करें और अपनी सक्सेस को श्योर करें। थैंक यू वेरी मच।